नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को कहा अफवाह मास्टर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके द्वारा बिहार को दिया गया विशेष पैकेज खोदा पहाड़ निकली चुहिया की तरह है। उन्होंने कहा कि अफवाह मास्टर मोदी ने आंकड़ों से राज्य के लोगों को बरगलाने की कोशिश की है, जनता उनके छलावे में आने वाली नहीं है। नीतीश ने कहा कि मोदी ने बिहार के भरोसे की बोली लगाई है। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में 1,08,000 करोड़ की रकम तो पुरानी स्कीम की ही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कुल GDP का 1% बिहार को दे दिया, फिर भी चिंता नहीं, आश्चर्य है। इसको लागू कराने के नाम पर भ्रम फैलाएंगे। इसको लागू क्या करना है, कैसे करना है, यह तो बताइए। हिंसा के बाद प्रधानमंत्री की गुजरातियों से अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए बुधवार को कहा कि बातचीत के जरिए समस्या का हल निकाला जा सकता है। मोदी ने गुजरात में मंगलवार को पटेल समुदाय की रैली के बाद हुई हिंसा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता, बल्कि मिलकर काम करने में ही सबका हित निहित है। उन्होंने कहा कि मैं सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की विनती करता हूँ। दूसरी ओर गुजरात में पटेल समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर मंगलवार को हुई जबरदस्त हिंसा के बीच राज्य सरकार ने सेना बुलाई है। साथ ही अहमदाबाद से जाने वाली 2 रेलगाड़ियां रद्द हो गई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि वह राज्य सरकार के संपर्क में है और वहां अर्धसैनिक बलों की 31 कंपनियां भेजी गई हैं। अमेरिका में सोनिया गांधी के खिलाफ मामला खारिज। एक अपीली अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में एक सिख समूह द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दायर मानवाधिकार उल्लंघन के मुकदमे को खारिज कर दिया है। अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर सेकंड सर्किट के 3 न्यायाधीशों के पैनल ने फैसला सुनाया कि सिख फॉर जस्टिस ने सोनिया गांधी के खिलाफ अपने मामले में जो दलीलें पेश की हैं उनमें कोई दम नहीं है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारतीय का राज होगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय ने खरीद लिया है। खबरों की माने तो मुंबई के एक उद्योगपति संजीव मेहता ने इस कंपनी को खरीदा है। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत को जीतकर इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया था। संजीव मेहता ने इस कंपनी के सभी प्रमुख शेयर खरीद लिए हैं। इस सौदे के साथ अब वो इस कंपनी के मालिक हो चुके हैं। उन्होंने इस कंपनी को $15 मिलियन में खरीदा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।